हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है या नहीं, आप कैसे जान सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के मदद से घर बैठे बिना आधार सेंटर जाए अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है या नहीं, आप बड़े आसान तरीके से ही पता कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है या नहीं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की मदद से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ले तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा के वॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के नई नई ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, अगर आपके मन में आधार कार्ड से संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने आधार कार्ड में या तो फिर किसी के भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है या नहीं, उसे जानने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना होगा। तो दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है, इस पेज की लिंक आपको हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं, और इस पेज पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो आधार नंबर और वर्चुअल आईडी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आधार नंबर और वर्चुअल आईडी देखे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है या नहीं, उसे आप पता कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर आधार नंबर या तो वर्चुअल आईडी डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको आधार नंबर या तो वर्चुअल आईडी डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कैप्चा कोड। तो दोस्तों, इस कैप्चा कोड को भी सेम टू सेम इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है, और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सेंड ओटीपी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अपना आधार नंबर से दिखाएंगे, तो हम यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड फिल कर लिए। दोस्तों, अगर आप ये कैप्चर समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इस सिंबल में आपको क्लिक कर देना है, और ये कैप्चा कोड आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है, और सेंड ओटीपी में क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसमें आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे नीचे फिल कर देना। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो इंटर ओटीपी बाय टी ओटीपी, तो दोस्तों आपको इस जगह पे वो ओटीपी आपको फिल कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर देते हैं और आगे के प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपना ओटीपी डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सबमिट। तो दोस्तों, आपके यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है, और सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अपने आधार कार्ड में जो भी फोटो है आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो अपना मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर देख रहे हैं, और आप नीचे आप देख सकते हो आपका ये ईमेल आईडी है। तो दोस्तों, आप इस तरह से आपको पता करना है कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से बिना आधार सेंटर जाए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन के मदद से आप चेक कर सकते हो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जाइए, अगर आप भी चेक करना चाहते हो कि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है या नहीं, तो दोस्तों आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक नहीं होता, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल नंबर सामने और ईमेल आईडी के सामने यहाँ पे खाली रह जाता है। तो दोस्तों, आप कुछ इस तरह से घर बैठे ही चेक कर सकते हो अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है या नहीं। तो दोस्तों, आई होप के वीडियो में आपको जो भी नॉलेज शेयर किए हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा के वॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के नई नई ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में आधार कार्ड से संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।